तो इस वीडियो में हम इफेक्ट लगाएंगे अपने इस रेमिक्स विजुअल वीडियो में। तो ये हमारा इंट्रो आप देख सकते हैं जो हमने बनाया था। तो मैं इसमें एक ओवरले लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं गैलरी में जाके किक फ्लैश लगा दूंगा ओवरले। ये मैंने बनाया था किक फ्लैश। दो तीन प्रकार के इफेक्ट जो है बनाए हैं, यही फ्लिकर और इफेक्ट वाले, किक फ्लैश वाले। तो इसको मैं लगा लेता हूँ और अब इसको मैं सेट करूँगा सही से। पहले मैं इसको जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। तो ये सेट हो गया है सही से और मैं किक फ्लैश की वॉल्यूम जो है डाउन कर देता हूँ। ये सही से काम कर रहा है। आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो देखिए। अब यहाँ से हमें इसको कट करना है, तो यहाँ से दूसरा सीन आएगा हमारा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर जाके मैं एक और ओवर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाऊँगा एक रिमिक्सिंग ओवर ले इंट्रो वाला। और मैं इसको जाके यहाँ पर स्क्रीन में ब्लेंड कर दूंगा। यदि आप ब्लैक कलर हटाना चाहते हो तो स्क्रीन पर ब्लेंड कीजिए और वाइट कलर हटाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई पर। तो इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है इफेक्ट्स लगा हुआ है हमारा, तो हम इतना कट कर देंगे इसको जहाँ से हमारा इफेक्ट्स है इंट्रो तक हम रखेंगे। और यहाँ से लिरिक्स आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं एक और ऊपर ले लाता हूँ इफेक्ट्स के लिए, लाइट लीक्स लगाऊंगा यहाँ पे। तो लाइट लीक्स ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर जाता हूँ। इसका भी ब्लैक कलर हमें हटाना है, पहले देखते हैं। यहाँ मैं ब्लेंड में जाऊंगा और इसके जो है स्क्रीन कर दूंगा तो ब्लैक हट जाएगा इसका, बाकी लाइट आ जाएगी। यहाँ से आते हैं हमारे लिरिक्स और फिर इसके बाद मैं इसको जो है कट कर दूंगा बाकी का जो पार्ट है। और ये काफ़ी सही आ रहा है। रिवर्स इफेक्ट्स भी है तो मैं उसके लिए भी एक और लाइट लीक्स लेकर आऊँगा और यहाँ पर उसको भी लगाऊँगा। इसके यहाँ पे है सही लाइट लीक्स, तो मैं इसका अगला पार्ट जो है कट कर दूँगा। इसको ट्रिम किया मैंने और यहाँ पे मैं लगा दूँगा और जहाँ तक है वहाँ तक देख लूँगा और वहाँ से भी। अब जहाँ से हमारे लिरिक्स आते हैं वहाँ से हम कट कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे स्क्रीन पर। देख सकते हैं आप सही इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से लिरिक्स हैं हमारे, तो मैं यहाँ पर स्टिकर पर जाऊँगा और यहाँ से काइन मास्टर का ही ओवरले फायर फाइट जो है इसको लगाऊंगा। फायर फ्लाइट नाम है, तो मैं इसको जो है जूम कर लूँगा फुल स्क्रीन पर ताकि ये पूरे में दिखे। बस ऐसे ही रख लेना है इसको। बहुत बढ़िया लग रहा। अब मैं इसको ड्रैग कर लूँगा जहाँ तक है हमारा लिरिक्स, वहीं तक इसको लगा लेंगे। और
इसके बाद यहाँ भी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से फिर से एक और ओवरले लेकर आता हूँ फ्लिकर, और यहाँ जो हमारा अगला पार्ट है इस पर जो है अपलिफ्टर लगा हुआ है, तो अपलिफ्टर के हिसाब से हम लगाएंगे इसको। हमारी इंट्रो की म्यूजिक है यहाँ पे, तो इसको जाके मैं स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से जो है फ्लिकर है। तो ये फ्लिकर में हमने लगा दिया और वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक है। अब इसके बाद इंट्रो आता है हमारा, ये जो इंट्रो का था वही पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब किक फ्लैश लगाएंगे, अपलिफ्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर किक फ्लैश लगाएंगे, और फिर जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी तो हम इसकी भी बढ़ा देंगे। मैं इसको जो है मल्टीप्लाई स्क्रीन या मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये ब्लैक कलर का था जो है किक फ्लैश, तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ। अब इसको भी हम जो है सही से सेट कर लेंगे। ये लगा लिया हमने, हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डिले थोड़ा दिखता हो या फिर काइनमास्टर लैग भी करता है, तो उसी कारण इसमें सही से दिख नहीं पाता, रेंडर होने के बाद सही दिखता है। अब यहाँ हम जो है एक और इफेक्ट लगाएंगे लाइट लीक्स का, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे में इफेक्ट्स लगा हुआ है। मैं इसको भी ब्लेंड कर लेता हूँ और स्क्रीन पर करता हूँ। इसको मैं कट कर लूँगा जहाँ तक है हमारा, वहीं तक रखेंगे। अब यहाँ से है हमारा वो वाला इंट्रो जहाँ अपलिफ्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम किक वाली फ्लैश लगाएंगे और उसके बाद फ्लिकर वाले लगाएंगे। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ सही से, और बाकी मल्टीप्लाई स्क्रीन जो है ब्लेंड। तो मैं इसको सही से सेट करता हूँ, ये सही बैठ नहीं रहा है, तो इसको ये बाकी सब वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन करते हैं तो स्क्रीन में आएगा हमें। मैं इसको बाकी का कट कर दूँगा और यहाँ पे इसको रखूँगा और इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, क्योंकि आगे जो है अपलिफ्टर हमारा स्पीड में है थोड़ा, तो स्पीड बढ़ा के चेक करके देख लेता हूँ कितने में सही बैठता है और इनमें कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है और भी तेज़ स्पीड है, तो मैं इसको कट करके जो है एक और फ्लिकर इफेक्ट लाता हूँ। इसको भी मैंने बनाया था मोबाइल के लिए ख़ास तौर से, कंप्यूटर में तो आसान होता है लेकिन मोबाइल के लिए ये होना ज़रूरी है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ और इसको भी जो है मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। स्क्रीन पर करेंगे इसको, वाइट है। Let's go. तो इतना सेट किया।
अब यहाँ से आ जाती है ड्रॉप, तो हम ड्रॉप पर जो है फ्लैश लगाएंगे वाइट वाला फ्लैश भी मैं ले आता हूँ और इसको भी सही से सेट वेट कर लेता हूँ और ब्लेंड कर लेता हूँ। और यहाँ पर हो जाता है हमारा पूरा टिमटम ख़त्म और बाकी ये जो है हमारा आउट्रो है। तो आउट्रो में हम कोई छेड़छाड़ कोई इफेक्ट नहीं लगा रहे, बाकी ये सब जो है हमारा बन चुका है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इफ़ेक्ट कैसे लगाएं, और इफ़ेक्ट डाउनलोड करने के लिए मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, या फिर मैं पूरा पैक तैयार करके रखूँगा पूरे इफ़ेक्ट का, फ्लिकर कर जो भी मैंने बनाए हैं क्लिक फ्लैश वाले, और मैं आपको दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत से काफ़ी इफ़ेक्ट डाल दिए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए तो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।